go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Sir. Yes. Sir, the principal functional group is there. We can have two or only one. What? Principal functional group. Principal functional group will be only one. But you may have identical principal functional groups in the same compound. Achha, sir, and the principal functional group, ka, we'll write it as a suffix. Na? And the other one, yes, which we're considering as a substitute, unko prefix say. Okay, okay. Any doubts, Peter? Anyone? Bye, Peter. Sir. Sir, जो इधर होता है वो आपने लास्ट क्लास बताया वो आर ओ आर होता तो इज द एंटायर थिंग कॉल्ड ईथर या सिर्फ द ओ आर वाला पार्ट एंटायर थिंग इज कॉल्ड ईथर अच्छा ओके सर बट उसको एल्कोक्सी लेते हैं ना एज अ सब्स्टिट्यूट वो तब जब ऐसा लिखा होगा इसको एल्कोक्सी लेकिन वोल्टेज पूरे को Any other doubts, Beta? Any confusion? Sir. Yes, Beta. Sir, हमको ring का naming करना होता है हम हमेशा cycle लिख के करेंगे ना? हाँ, अगर ring आपका main है, chain है, तो उसको cycle लिख Guys, what was the last part of the last lecture? So we did a functional group is directly connected to a cyclic chain. That means special rule for yes, sir, special rule. We have not started benzene compounds, right? No. We started with I think helicycles. So. Okay. No, you're supposed to start with benzene compounds. Now you all write naming of benzene compounds. Naming of benzene compounds. Are you ready, Buddha? Sir, please. I said right heading. Naming of benzene compounds. Here you write note. In most of the cases, In most of the cases, name ends with benzene. Name ends with benzene. Both simple, but important. इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है ये नोट काफी सारे कंपाउंड्स के नाम आपको दे देगा अगर वो बेंजीन से रिलेटेड है लुक हियर बेटा दिस इज बेंजीन रिंग यहाँ सीएल लगा लिखा है ना इन मोस्ट ऑफ द केसेस नेम एंड्स विद बेंजीन तो गेस करिए बेटा इसका क्या नाम होना चाहिए फ्लोरोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन
बिल्कुल सही, क्लोरोबेंजीन। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, देखो अभी टाइम दूंगा कॉपी करने का, डोंट वरी। यहाँ पर अब मैंने सीएल लगा दिया और बीआर लगा दिया, तो क्या कोई नया रूल लिखने की रिक्वायरमेंट है? या आप समझ जाओगे कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिंग जैसा स्टाइल पहले किया था, कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे बेटा? ब्रोमो से सर, ब्रोमो वर्टिकल ऑर्डर में। यस, अल्फाबेट वन ब्रोमो टू क्लोरोबेंजीन। यस, फैंटास्टिक हो गया तुम्हारा काम। देखो इसमें भी वन ब्रोमो टू क्लोरो एंड बेंजीन, ये भी हो गया। अब और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसमें। अब मान लीजिए कि मैंने सीएल लिखा, एनओ टू लिखा और बीआर लिखा, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो रिकॉल करिए बेटा थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फाबेट फॉलो करते थे रिंग में या कुछ और? लोएस्ट सम प्रोडक्ट। अरे थ्री सब्स्टिट्यूएंट, सो समेशन ऑफ लोकेंड्स शुड बी लोएस्ट। तो बताइए कहां से हम लोग लिखेंगे नंबरिंग? क्लॉकवाइज है ना, कहीं और अगर कुछ सोचोगे तो समेशन ऑफ लोकेंड्स आपको ज्यादा मिलेगा डेफिनेटली, कहीं से भी शुरू करो। तो यहां पर लिखते समय अल्फाबेट लिखते हैं, फोर ब्रोमो वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन। ठीक, दीज आर द थ्री केसेस वेरी सिमिलर टू नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड। कॉपी कर लो। यस बेटा, व्हाई कांट वी गो स्टार्ट फ्रॉम ब्रोमो एंड गो एंटी क्लॉकवाइज? कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? हाँ, सम प्रोडक्ट, सॉरी। लोकेंड्स का मतलब ये नंबर्स होते बेटा, 1 2 3 को लोकेंड्स कहते हैं। तो सर इसमें साइक्लो की जगह हम डायरेक्ट बेंजीन देंगे ना? सर आपने यहाँ क्या लिखा है? थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स हो, so summation of locands should be lowest, that rule is followed for numbering. Got it sir. Sir, can you show the next slide? Guys, yeah, remove this slide, beta. Have you all copied? Yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आपने यहाँ क्या लिखा है? थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स हो, सो समेशन ऑफ लोकेंड्स शुड बी लोवेस्ट, दैट रूल इज फॉलोड फॉर नंबरिंग। गॉट इट सर।
Sir, done. Guys, benzene compounds very similar to normal cases, but if benzene ring is not parent chain, then as a substituent, it is written as phenyl. क्या लिखते हैं बेटा? Phenyl. सिंपल से केसेस है सारे, जैसे CH3, CH, CH2, C double bond H और ये बेंजीन. बताइए, कोई बता सकता है कि हम बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन क्यों नहीं ले रहे हैं इस बार? सर, क्योंकि वो साइकिल में एंड हो जाएगा. पेरेंट फंक्शनल प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सीएचओ. सिंस ओपन चेन हैज गॉट प्रिंसिपल फंक्शनल, ये लिखना जरूरी है. खाली फंक्शनल नहीं, एक ही है इसलिए वही प्रिंसिपल है. बट अगर कई सारे होते हैं, यहाँ भी होता है, वहां भी होता है, तो हमारा चीज क्या चेक करना होता है? प्रिंसिपल फंक्शन. सो ओपन चेन इज पेरेंट चेन. नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4. अब ये बेंजीन कंपाउंड नहीं रहा तो मतलब नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ओपन चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3-3-phenylbutanol. Yes. Everyone copy? Any confusion you ask? Sir, if for benzene we use phenyl, what is benzyl used for? Benzyl, अभी बताऊंगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं है. Sir, can you go back to the previous page? Previous page? Okay, sir. Sir, can we write butane 1-al, that will also be okay. One likhne ki zarurat nahi hoti, but by one by default. Likh bhi doge to koi problem nahi. Done, sir. Somebody is asking full form of PFG. Koi batayega beta PFG ka full form kya hai? Sir, principal functional group. Principal functional group. PC ka full form kya hai? Parent chain. Parent chain. Bas ho gaya.
चल, ये तो था आपका जो नॉर्मल चेन्स रिंग्स के केसेस हमने किए तो उन्हीं से मैच करता है। अब हम लोग यहाँ पर भी वैसा ही एक स्पेशल रूल लिख लेते हैं, फिर कुछ स्पेशल चीजें करेंगे बेंजीन। पहले लिखते हैं स्पेशल, याद है लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट, वैसा ही अभी लिख लो बेटा। आर यू रेडी? सर एक मिनट बाप, पहले वाले पेज जाऊंगा। पहला वाला तो ओके, सर अभी ये लास्ट लिखा उसके बाद स्पेशल रूल है। हाँ इसके बाद स्पेशल रूल है। ओके सर। सर तो रिंग पेरेंट चेन हुआ तो ये हम लोग बेंजीन लिखेंगे ना? रिंग पेरेंट चेन हुआ तो बेंजीन लिखेंगे। हाँ आए स्पेशल रूल पे बेटा। यस सर। इसमें लिख लीजिएगा इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप then name is written in a special manner name is written in a special manner first we write name of benzene then special suffix yaad hai na exactly yahi likha tha humne same thing we have written earlier for cyclic compound सर वो फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ बेंजीन रिंग देन के बाद क्या लिखा है स्पेशल सफिक्स फॉर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप So what you have written after the first we write name of benzene ring and then help karega bada iski and then special suffix for carbon containing functional group. Okay, thank you. Sure, no problem.
10 बेटा यस सर नाउ लिसन This is carbon-containing functional group, directly connected. What will you do, beta? First, you write the name of this. What is the name? Benzene carbaldehyde. Benzene carbaldehyde. What is the name? Sir, benzene carboxylic acid. Done. Please copy beta, everyone. So last में आपने बेंजीन कार्बोक्सिलिक क्लोराइड लिखा ना? Hello. बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट वाला कार्बोनिल क्लोराइड. क्लोराइड ना okay. Sir, benzene will always have 6 carbon atoms only. Done. 1 minute, sir. Write the name, beta. Sir, it's benzene carbonitrile, na? Sir, done. Okay. सबने लिख लिया? Yes, sir. So whatever we have discussed till now for benzene compounds, these things were similar to normal cyclic compounds. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लिखेंगे few special things but is week mein hamara koi dusra bhi lecture laga hua hai yes sir when now you write few special things for benzene friday you don't have this is the only lecture you have. Friday. So there is one on Friday. Friday we have thermodynamics. That's MCH, sir. Saturday. Saturday. We have another lecture, right? Yes, on Saturday. Okay. Chal. Heading daliye ga, few special things for benzene. Benzene compounds. Are you ready?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, whenever you have benzene ring, carbon connected to benzene ring, two valencies are satisfied with hydrogen, one unsatisfied. This whole structure is called benzyl. Kya bolte hain bada? Benzyl. Another one. The carbon which is directly connected with benzene ring, if only one valence is satisfied with hydrogen, remaining two unsatisfied means will be satisfied by other atoms or groups. This structure we call as benzyl. Third one. No valency of that carbon is satisfied with hydrogen. All three valencies will be satisfied by other atoms or groups. This is benzo. Example देखो बेटा. पहला वाला तो उतना important नहीं है, इसको देखो. Can you tell me how many valencies of carbon which is directly connected with benzene satisfied by hydrogen and how many satisfied with other atoms? One by hydrogen and other two by oxygen. One by hydrogen. So this case belongs to what? Benzyl. Benzyl. Yes, so I will write this part as benzyl. And since it is aldehyde, in continuation, I will merge the two. It will become benzaldehyde, which is a popular compound. Are you getting my point? That means same compound. Earlier we said benzene carbaldehyde. But it is a special case of benzene compounds. इसका एक अलग नाम भी है benzaldehyde. दोनों सही है, ठीक है? Got it. दोनों सही है, लेकिन अगर by chance कभी कोई तुम्हें परेशान करने लगा, एक ही option पूछेगा करने को, तो ये वाला लिखना, क्योंकि ये किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है? Second, देखो, इसका बताइए बेटा, ये किसको belong करता है, किस case को इन तीनों में से? Benzo. और ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक में ओइक ही बचेगा, इतने तक को तो बेंजो बोल दिया, ओइक एसिड मर्ज कर दिया. बेंजोइक एसिड इज अ पॉपुलर कंपाउंड, वी ऑल नो, आपने से बहुत सारे लोग इसको नाम सुना भी होगा. तो ये बेंजोइक एसिड थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, ये ओल्ड रूल्स के बेसिस पे था ना, वो रिंग वाली स्टाइल से, लेकिन ये स्पेशली फॉर बेंजीन कंपाउंड्स के लिए है. इसको कॉपी कर लो बेटा. सर मेरे डाउट था कि जो बेंजीन रिंग होता है उसमें सिर्फ 6 कार्बन एटम्स ही होते हैं हमेशा. हां, बेंजीन का मतलब वो 6 कार्बन एटम्स और बीच में रिंग. ओके सर. सबने कर लिया बड़ा? One minute. No, sir. Sir. Yes, बड़ा. Does benzene carbonyl acid also have a special name? Benzene? The last one, benzene carbonyl acid. हाँ, benzoyl chloride लिख सकते हो ना इसको? Benzoyl chloride. बेंजोइल वो अपने आप सोच लोगे, टेंशन नहीं. और सर यस बेटा, सर नेम मालूम पड़ा अपने, वो कन्वर्ट किया ना दो नेम को, वो जैसे तो बेंजल कार्बोडिहाइड को कार्बन, तो सर उसमें वो खाली कार्बन अपन नहीं लिखेंगे ना फिर? अब कंफ्यूज होगा बेटा, इसका नाम बेंजल कार्बोडिहाइड नहीं था, इसका नाम बेंजीन कार्बोडिहाइड. आप मिक्स्ड कर रहे हो इसको और उसको. ये बेंजीन कार्बोडिहाइड, इसका उससे कोई लेना देना नहीं.
अब आप बताओ, आप गड़बड़ कर रहे हो, आप आधा उसका उठा रहे हो और आधा इधर का बोलना चाहते हो, गड़बड़ है। अच्छा तो दोनों में वो अलग अलग है, बेंजोइक एसिड भी फिर अपन दूसरा लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैंने तुम्हें ये नहीं पढ़ाया होता, ये भूल जाओ पांच मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, और इस पे ध्यान दो, इस हिस्से को बेंजल बोला और ये एक एल्डिहाइड है, इसका नाम बेंजल डिहाइड, बस खत्म कहानी। तुम्हारा नाम ही चिंटू और तुम ही रोहन हो, समझ गए? यस सर। जब चिंटू रखा गया नाम तो रोहन से कोई लेना देना नहीं, जब रोहन नाम रखा गया तो चिंटू से कोई लेना देना नहीं, चिंटू ही रोहन है, रोहन ही चिंटू है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये जानने वाले को पता होना चाहिए जो जिसको कि तुम ही वो दोनों हो, तुम दो अलग अलग नहीं हो, तो आप बेंजल डिहाइड ऑप्शन में दिया हो या मेरे को बेंजीन कार्बोनिल डिहाइड दिया हो, दोनों ही मेरे लिए सेम है। हाँ, रोहन ज्यादा पॉपुलर नाम है, तो हो सकता है कि कोई ऐसे रफ क्वेश्चन बनाने के लिए अगर एक ही ऑप्शन दिया तो मैं रोहन सिलेक्ट कर लूंगा, दैट मीन्स बेंजल डिहाइड। Done, Meda. Should I remove this? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. चलो इसका सारे बच्चे नाम लिखे, चैट बॉक्स में भेजिए बेटा। You have to write name of this compound. Yes, but So can I do it now? Should I discuss it up? Sure, sir. Yes, sir. From where will you start numbering, beta? OH, Cl, from where? From OH. So OH. You have made mistake. Here. Out of CN, CL and OH, CN is the principal functional group. Since okay. CN is the principal functional group, you have to start numbering in such a manner that the carbon associated with principal functional group gets lowest possible number. Carbon associated with principal functional group should get lowest possible number. ठीक है, बोलो बेटा। सर ओवर हियर वी वांट टू यूज अ स्पेशल रूल बिकॉज़ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज देयर नो, दैट इज ओके, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमको वो तो खाली ये डिसाइड करने के लिए कि हमको रिंग पहले लिखनी है, तो रिंग पहले तो लिखनी है, लेकिन नंबरिंग कैसे करें? तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उससे एसोसिएटेड कार्बन को ही वन देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। और नंबरिंग किधर की तरफ जाएंगे बेटा, टुवर्ड्स दिस और दिस? सर दिस वे, राइट। अब इन दोनों को आप अल्फाबेटिकली पिक करो व्हाइल राइटिंग,
सर आपने फाइव को सिक्स लिख दिया मैंने फाइव को सिक्स लिख दिया यस सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सही तो है नहीं मतलब वो फाइव सिक्स जैसा दिख रहा था ऐसा अरे भाई ये फाइव ही है वो खुद आप समझ लो तो इसको क्या लिखेंगे बेटा थ्री क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी यस सर बेंजेनाइड अब आप ध्यान से सुनो इस हिस्से को क्या बुला सकते हैं हम लोग इस पूरे हिस्से को बेंजीन से रिलेटेड कार्बन याद है ना बेंजो बेंजीन रिंग है कार्बन ऑल थ्री वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड सेटिस्फाइड बाय अनदर एटम नॉट हाइड्रोजन तो इसको क्या बोलते हैं बेटा सर बेंजो बेंजो और सीएन वाला पार्ट है तो नाइट्राइड नाइट्राइड तो क्या लिख देंगे हम लोग सर बेंजो नाइट्राइड ऑल्दो यू कैन आल्सो राइट बेंजीन कार्बोनाइट्राइड दैट इज आल्सो करेक्ट लिख लो बेटा बेटा यस सर गेट द नेम बेटा थ्री ब्रोमो फाइव क्लोरो बेंजोइक एसिड चैट बॉक्स में डालिए सर इसको हम बेंजोनोइक बोलेंगे ना बेंजीनोइक नहीं ना बेंजोइक बेंजोइक बेंजो बेंजीनो सॉरी आई एम डन यस सर डन क्या लिखा बेटा थ्री ब्रोमो फाइव फाइव क्लोरो बेंजोइक एसिड वेरी जिन्हें नहीं आया बड़ा वो कॉपी कर ले सर यहाँ पे वो लोएस्ट सम रूल यूज नहीं करेंगे कोई हेल्प करेगा बेटा इट्स इक्वल फ्रॉम बोथ दिस COH इज अ COH इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सो देयर आर ओनली टू यस कार्बन इन इट इज करेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो उसी से एसोसिएटेड कार्बन विल गेट नंबर Sir, I was saying that after KFG, it is equal from both the sides. Then alphabet, yeah. Because two groups are there, apart from that. Okay?
तो सर हम लोग सीएल को 3 दे सकते हैं नंबर, क्योंकि मैंने ऐसे सॉल्व किया था, दे सकते बी कम बिफोर सी, लेकिन अल्फाबेटिकली जब इक्वल आ गया तो अल्फाबेट लेंगे ना, इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर, ठीक है ओके। तो सर अल्फाबेटिकल में अपन नंबर उसको देंगे ना अगर इक्वल डिस्टेंस है तो। While numbering, you just have to give priority to the one which comes alphabetically first, then the other. Simple. Okay. No, but in this case, we give lowest number to principal function group. No, I was talking about after you have numbered principal function group. Acha, for substituents. Yeah. सर डन, सबने लिख लिया बेटा? यस सर, यस सर। सर एक सेकंड, टीवीएस पेज, टीवीएस पेज, यस सर, वन सेक। Done sir, mic on mute now. Sir. Sir, if there was a methyl group somewhere over here, then we will have used the lowest sum group, no? Lowest sum rule. इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? बहुत ज्यादा सोच रहे हो तुम लोग, कितना सिंपल। अभी मैं अगर गलती से भी लोएस्ट सम रूल ये सब बोलने लगूंगा तो आप पहली चीज मिस करना शुरू कर दोगे बेटा, आप मेन चीज पकड़ नहीं रहे हो। मेन चीज है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, उसके बाद कॉमन सेंस सोचो ना, क्यों लिखना जरूरी है क्या कुछ? कॉमन सेंस जो पुराने रूल्स है कि हम भाई इधर से गए तो सीएल मेरे को थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से गए तो बीआर भी थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो कॉमन सेंस कहता अल्फाबेट, कितना सारा तो पढ़ चुके हैं। अब अगर लिख लोगे तो 2 महीने बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप पूरे कंपाउंड में लोवेस्ट सम रूल लगाना शुरू कर दोगे, वहीं पर मिस्टेक हो जाएगी। हम ये भी नहीं लिख सकते कि अल्फाबेट फॉलो करो, बिकॉज अगर वो लिख लिया फिर 2 महीने बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो कार्बोक्सी है, ये ब्रोमो है, सीएल है, चलो ब्रोमो से शुरू करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए केवल एक ही पॉइंट लिखें। व्हाट इज दैट पॉइंट? कार्बन एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यू विल गेट 1। उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कॉमन सेंस जज नहीं कर रहे हो। इतने सारे रूल्स लिख चुके हो आप, मेन रूल लिखना है, मेन चीज, अगर वो गलत हो गया तो सब कचरा हो जाएगा। अरे भाई कॉमन सेंस कह रहा है, यहाँ खड़े हो आप, आपके पास ऑप्शन है इधर जाने का, एक डिस्टेंस पे आपको चीजें मिल गई तो आपने फिर अल्फाबेट, एक कॉमन सी चीज है, कितनी बार अल्फाबेट 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 बोला गया है यार, उतना तो कर ही लो आप लोग। अगर मैं हल्का भी यहाँ अल्फाबेट लिखा दूंगा, बिलीव मी आप में से 10-15 बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप तो अभी कह रहे हो उसको नंबर वन देंगे, अब आप अल्फाबेट बोलना शुरू कर दिए। इसलिए मेन चीज मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं उसके अलावा कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ। कार्बन विच इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल गेट नंबर 1, उसके बाद खुद डिसाइड करो, कॉमन सेंस लगाओ। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अपने हिसाब से आप चीजें लिखना शुरू करो, उसको मैं ऑफिशियली नहीं लिखा सकता उस तरह से। चलो बेटा इसमें बताओ, या इसको चेंज करके और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब ये मैंने चेंज किया, अगर आप में से जो समझदार बच्चे होंगे वो इमीडिएट समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
तुमने सोच लिया बेटा? यस सर, लेट्स डिस्कस सर. बताओ बेटा किसको नंबर वन देने? सीएचओ से एसोसिएटेड का. फिर किधर जाएं बेटा? अल्फाबेटिकली फॉलो करें बीआर की तरफ या सीएल की तरफ जाएंगे? सीएल. अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पुराने रूल्स पढ़े हुए हैं, चीजें की हुई है, है ना. हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पर कि हम यहाँ पर लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे नंबर एक के लिए, वो गलत रूल हो जाएगा क्योंकि हमको वन डिसाइड कर रहा है. उसके बाद की कहानी, आप अल्फाबेट हो सकता है कभी, लोएस्ट सम रूल हो सकता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको करते हैं, वो तो कॉमन सेंस से करना है, वो लिखा नहीं मिलेगा हर जगह आपको. तो इसको क्या लिखेंगे बड़ा? सिक्स सिक्स ब्रोमो टू क्लोरो थ्री नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. Very good. Should I remove this? सबने लिख लिया? Yes sir. Yes sir. लिख लेने दो, बाकी बच्चे भी हैं जो बोल नहीं रहे, लिख लो बेटा. सर तो लोअर सम रूल को पहले देखा जाता है ना, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हाँ नेक्स्ट लिखिएगा बेटा. In benzene compounds, some common names are also accepted as UPSC names. Some common names are also accepted as UPSC names. दो popular examples, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. एक फिनॉल बहुत एग्जाम में आता है, ये एनिलीन है. और भी है, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, शायद आपको याद होना चाहिए. इसको टॉलुइन जैसे बोलते हैं. सो ये फिनॉल है ना, ओ है ना ये? यस, ये फिनॉल, ये एज अ होल कंपाउंड है, फिनॉल एनिलीन टॉलुइन. इसको लिख लो बेटा. सर फिनॉल है वो? बिल्कुल सर. वो क्या लिखा है मुझे समझ नहीं, फर्स्ट वाला कोई बताओ बेटा. सो सेकंड नेम क्या है? एनिलीन है बेटा, ANILIN. सर वो NH2 है कि NH3 है? NH2 है ना.
रिमूव कर दें बेटा इसको. यस सर. देखो जैसे मान लो ये है टॉल्यूइन है ना, इसका नॉर्मल नाम भी आप लिख सकते हो मिथाइल बेंजीन, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट टॉल्यूइन भी आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड. अब मान लीजिए मैंने इसको लिखा सीएल. सर सेकेंड वाले का नाम क्या था? कोई इसकी हेल्प करो बेटा. एनिलीन. ये मैंने जब लिखा तो इस वाले का नाम आपको देना है. तो ये जो कंपाउंड है इसमें एक तो पहले आप ये चीज भी देख लो बेटा, जैसे कोई ग्रुप जी लिखा हुआ है तो जी के रिस्पेक्ट में ये कोई भी ग्रुप हो सकता है. ये जो दो पोजीशंस हैं इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस. क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो पोजीशंस. ये क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशंस. और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन. ठीक है बेटा. लेकिन ये तीनों पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में. बाय चांस किसी बच्चे ने ऐसा सोचा कि ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है, इसका मतलब है उसने कचरा कर दिया. क्यों? जब तक अपना घर नहीं होगा नेबर्स डिसाइड नहीं कर सकते आप. ऐसा नहीं होगा कि नेबर्स पहले आ गए और आप कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. तो ये अगर आप अपने मन में बैठा लिए कि इन पोजीशंस को ऑर्थो बोलते हैं तो रॉन्ग है. आपका जी अगर यहां पर रख दिया तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा. क्लियर है बेटा? और ये पैरा हो जाएगा. तो जी कहां पर प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड होगा. तो इसका इसका नाम तो अपने को पहले से मालूम था. क्या नाम था बेटा? टॉल्यूइन. तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? सीएल इज एट व्हाट पोजीशन ऑफ सीएस थ्री? क्लोरो टॉल्यूइन आंसर. ठीक है. वो जनरली शॉर्ट फॉर्म भी लिखा यही लिखा जाता है. अगर पूरा भी लिखा हो तो इट्स ओके. ओ स्मॉल लेटर में लिखना. और I think we have done this once in chemical bonding. So why is it zero chloro toluene? जीरो नहीं बेटा, ओ है. ओ स्मॉल ओ. ओ फॉर ऑर्थो. यस बेटा. ओके. सो व्हाट हैव यू रिटन बिटवीन मेथ ओवर देयर इन द अपर डायग्राम? क्लियर बेटा. द वन व्हिच सेज टी. It's between both the mets. This one? Yeah. Ignore this. No. Not you that. Are same. No, the one below, this one. The one you've underlined. No. Oh, God. This one. It's orthochlorotoluene. Kya puch rahi hai, help karo yaar. Para, you mean? Ah, yeah, that one. P-A-R-A, para. Okay, because below the spelling seemed a little different. Mm-hmm. Should I remove this? Yeah, sure, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Guys, I'm sending you 2 sheets. Sir, assignment. No, beta. Oh, then.
कॉमन नेम्स. ओके, ये वन ईयर का जॉब है. आप इसको प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं अपने साथ. Or we can write it in book, sir. Yes, brother. Thank you. Have you received? Just check. Yes, sir, it came. Yes. So you all, if you open first sheet, it says benzene compounds. So there are many benzene compounds. ठीक है, इसको रटना नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली आपको ये सब आ जाना चाहिए. एंड देन सेकंड शीट इफ यू चेक, दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड. आई हैव लेफ्ट यू नो वन कॉलम, देयर यू हैव टू राइट आईयूपीएसी नेम. ऑल द रूल्स आर विद यू, आप रूल्स यूज करिए और कॉमन नेम्स इनके लिखिए. ठीक है बेटा? सबके पास आर यू हैविंग बुकलेट विद यू सर? इज दिस होमवर्क? नहीं नहीं, ये होमवर्क. डू यू हैव बुकलेट? यस सर. यस सर वी डू. तो आपके पास पीडीएफ फाइल है किसी के पास? बिकॉज आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि कितना कितना एडवांस से कम है आपका. किसी के पास पीडीएफ है? या मैं एडवांस की भेजूं, आप चेक कर लो उसमें से क्या नहीं है, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन बताता हूं. Somebody saying something? No, I'm saying I'm not sure that anyone has the PDF because we directly received the book and no PDFs. Okay. So you all open your booklet. Guys, just check. I've sent one booklet. Is it matching with yours? Just check the exercises, beta. Just check the exercise. Exercise one open kariye. बुकलेट से मैच कर रहा है बेटा? यस और नो बोलिए. यस सर. मैच कर रहा है ना? चलो हाँ, तो इसमें आप एक्सरसाइज वन जो है ना, एक्सरसाइज वन का मैंने आप किसी और बच्चे ने भेजा उसका ही ओपन कर लिया मैंने. तो एक्सरसाइज वन में बेटा जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो लिखे हुए हैं ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. लाइक अगर मैं ई लिखूंगा ना ऐसा, तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है. रिमेनिंग वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन एटम्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. देन यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, जो व्हाट एवर रूल्स यू नो यू हैव टू अप्लाई. सो एक बार बेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अटेम्प्ट करिए एवरीवन. क्विक आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए. केवल जिसका जिसका भी होता जाता है, यू जस्ट राइट इन चैट बॉक्स डन डन. ठीक है,
So do we have to do this right now? Yes, beta. Sir, which ones do we have to attend? 6, 7, Samne likha hai exercise 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, sir. Those special designed wala na, jisme A, B, E, is tarah likha hua hai. Sir, even the fifth one? इसमें भी वो स्पेशल डिजाइन है। Somebody saying, sir, I was out of station and could not collect. It's already there, but somebody has already sent. You check the chemistry group. Somebody has already sent the PDF. So yeah, CH2 bracket 4 matlab CH2 bracket 4. Yes sir. ye hai kya 6 7 8 9 10 first? Nahi beta, I gave 6 7 8 9 10 11 12. Acha sir, ye 9 ke baad 10 hai, mujhe 1 laga. Nahi nahi, 6 7 8 9 10 11 12. Okay sir. Sir, the 8th one to Brahma Kanya. Just write in the chat box if done now. Sir, in the Zoom meeting or the WhatsApp group? Zoom meeting, the chat box. डन बेटा, बहुत सारे लोगों ने डन लिखा, वैसे कोई बचा हुआ है जिसने कंप्लीट नहीं किया है? सर 2 मिनट प्लीज. ओके बेटा. Any doubts, beta, in these questions? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anyone? Sare aa gaye? Yes, sir. Will be right. So, Fenty. Your kuch keh raha hai. Kya kuch sun pa raha hai, kya keh rahe? Hello, sir. Thoda louder, bolo.
Hello, sir. Yes, brother. So in the eighth one, will we write isopentane or 2-methylbutane? Eighth one. It's not 3-methylbutane, it's 2-methylbutane. CH2, CH, CH3, CH. This is the eighth one. Right? This is the main chain. This is the substituent. 1, 2, 3, 4. 2-methylbutane. Answer. So, but isopentane is also right now. Sir, we'll just discuss all the answers. Sir, this can apply for question number 10 and 12 also because both there are neopentane is there. Yes, sir. Neopentane is also right now. Yes, sir. Question number 10 and 12. Question number 10 and 12. Yes, sir. Both answers are dimethylpropane, yes. But we can also add neopentane, which is given in both questions. Nahi beta. Ek minute. ये इसकी बात कर रहे हो ना नाइन्थ वाले की सॉरी टेंथ वाले सर क्वेश्चन नंबर 10 and 12 यस सर यही तो टेंथ है बेटा जो मैंने ड्रॉ इसी को टेंथ कहते हैं सर बट ये स्ट्रक्चर में होना चाहिए ना उसे अगर दोनों कार्बन एटम नीचे है एक ऊपर नहीं है तो भी वही रहेगा बेटा तुम अपने हाथ शोल्डर से इधर रखो या ऐसे फैला दो हाथ उखड़ जाएगा क्या तुम्हारा तो सर नियोपेंटेन भी लिख सकते ना हम ना दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हो पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें फिर नाम पे आते हैं तुम कह रहे हो स्ट्रक्चर ये नहीं है ये वाला दिया हुआ है मैं कह रहा हूँ ये दोनों सही है पहले इस पे यस और नो होना चाहिए यस सर वो तो सही है सर राइट वाला 10th क्वेश्चन का लेफ्ट वाला 12th क्वेश्चन का अलग अलग क्वेश्चन ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये तो 10th के लिए है ना इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है फिर दूसरे लोग नहीं सर दोनों सेम है पहले इसी को सुनने दो यार एक एक करके बात करो ना कंफ्यूज कर रहे हो चीजों को पहली चीज मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा किसी बच्चे ने बोला कि स्ट्रक्चर में CH3 एक तरफ दिया हुआ है तो आई एम सेइंग कि ये दोनों एक ही चीज है एग्जांपल भी दिया कि ये तुम हो और तुम्हारा शोल्डर है ये तुम्हारे दो हाथ है तुम जैसे भी उसको रखो कोई फर्क नहीं पड़ता कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए एक तो ये चीज आंसर हो गई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो इसमें No, sir. No, sir. We have a different question. यार किसी ने 10th बोला था मेरे ख्याल से 10th and 12th, sir. अरे यार इस पे किसी क्या 10th वाला डिस्कस करना है नहीं करना है इसको क्रॉस कर दूं मैं नहीं सर करना है फिर दूसरा फिर क्यों बोल रहा है 12th बीच में बोल रहा है 10th पहले बोल लेना ना मुझे 1, 2, 3 इसका नाम है 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्या ये आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा यस यस अब बोलो कंफ्यूजन क्या है जिसको भी टेंथ पे कंफ्यूजन है वो बोले अभी यस सर देयर इज आल्सो एन ऑप्शन नोन एज नियोपेंटेन इसमें नहीं वो नियोपेंटेन इसमें नहीं होगा नियोपेंटेन का आप मैंने शीट दिया आपको असाइनमेंट याद करिए उसमें भी लिखे हुए मैंने ऐसे क्वेश्चन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट ऐसा करके लिखा हुआ है तो उसको अवॉइड करते हैं हाँ सम टाइम्स जब ऑप्शंस में कुछ और ना दिया हो और जैसे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें नियोपेंटाइल आइसो पेंटाइल ऐसा करके वो सब प्रीफिक्स लिखा हुआ मिलता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन है और ये और वो दोनों लिखा हुआ है तो आप केवल यही वाला सेलेक्ट करना है ठीक है यस सर सर अभी और कोई कंफ्यूजन है इसको लेके सर कैन यू प्लीज वंस ड्रॉ न्यू पेंटेन स्ट्रक्चर आर यू सेइंग कि न्यू पेंटेन में ड्रॉ करूं हाँ सर एक बार खाली देखना है ये क्या है यही तो है सर तो आइडियली दोनों ऑप्शन राइट हो गए ना लेकिन हम आईयूपीएसी वाला सेलेक्ट करेंगे अरे आप समझ नहीं रहे बेटा मैंने अभी
क्या समझाया कुछ समझ ही नहीं पा रहा ये बच्चा। नियोपेंटेन भी उसका नाम है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस दिए हैं तो जो रूल वाइज नेम आता है उसको ही लेना पड़ेगा। क्या इसमें मोर देन वन ऑप्शंस है? नहीं है ना, उसी को लेना है। ओके सर। ठीक है, तुम्हारा नाम चिंटू है, तुम्हारा ही रोहन है, लेकिन रोहन तुम्हारा नाम रखा गया है स्कूल के लिए। ठीक है, यस सर। इसके अलावा भी कुछ बोला, लेकिन तुम लोग इतना कंफ्यूज से स्टेट में हो कि वो मैं बोलना ही नहीं चाहता, नहीं तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा भी बीच में मैंने अभी कुछ बोला था, लेकिन वो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और वो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम ध्यान दो, नहीं तो तुम तो कंफ्यूज स्टेट में चले जाओगे बिल्कुल। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 6, 1 ये दिया हुआ है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो ब्रांचेस हैं, यहाँ मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, बस इसका आप चूज कर लो, 1, 2, 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, 1, 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का साइकिल है साइक्लोप्रोपेन, व्हाट इज द डाउट, सो इजी। और बताइए सर, फिफ्थ और एट्थ सर ओवर ईयर द साइड, मैंने दिया नहीं है बेटा, फिफ्थ आई डिड नॉट, जबरदस्ती आप अटेंड करके पूछ। ओके सर, तो फिर एट्थ की जाना, एट्थ वाला ये अभी तो बताया, बता दो सर, मैंने उल्टा नंबर दिया था तो मैं मतलब बी ऑप्शन है 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो वो राइट होगा क्या? वो तो अपने आप से सवाल करो ना, राइट होना चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो राइट होना चाहिए। एक तुम लोग कॉमन सेंस तो ऐसा लगता है जीरो बना के बैठे हो, एक कॉमन सेंस अगर मान लो तुम्हें आंसर तुमने अपना निकाला और मैच नहीं कर रहा है, तो एक कॉमन सेंस कहता है कि भाई इधर से जाने पे देखो मिथाइल मिल रहा है, उधर से आने पे मिथाइल हमको दूर मिल रहा है, तो कॉमन सेंस से भी कर लो यार, हद हो गई। सर बुकलेट के पीछे भी आंसर है, वही तो कह रहे हैं पीछे से आंसर चेक किया, फिर भी आप कॉमन सेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हो कि कहां से नंबरिंग करनी कहां से नहीं करनी। अभी किसी ने 12th बोला हुआ है? सर 12th इज द सेम एज 10th, 12th और 10th सेम है, हाँ वो केवल टेढ़ा करके लिख दिया उन्होंने, दोनों सेम ही है। CS3 कर दो, CS3 ऐसा उन्होंने दे रखा है, ये दोनों सेम है तो बस सेम ही है, तो आप ये मेन चेन ले लिया तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आंसर। ठीक है सर, 6th में एक डाउट है सर, जो जो साइकिल है उसमें 3 कार्बन एटम्स है, इसलिए भी टेक इट एज द मेन चेन नो? यस सर। ओके, ये हो गया बेटा 12th तक, किसी और को कोई डाउट नहीं है सर? 9th, 9th पे डाउट है, 9th ऐसा दिया हुआ है CS3 CCH3 C इसमें 9 CH3 CH3 H H, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपकी मेन चेन हो गई, कांट यू चेक, सबसे लंबी चेन यही है, ऐसे जाओगे या फिर ऐसे चले जाओ, कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं, 1, 2, 3, 4 चार ही कार्बन की मेन चेन है, और 2 और 3 पे ब्यूटाइल लगा हुआ, 2, 3 मिथाइल लगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिए इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर इसमें है 22 और क्वेश्चन नंबर 24, सेम एक्सरसाइज, जस्ट अटेम्प्ट, ये 12th के बाद ना? हाँ। ओके सर, कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड,
Just write done button in chat box. आगे बेटा दोनों क्वेश्चंस। यस सर। यस। 24 में डबल ट्रिपल में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ना? यस सर। अब इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 15 पे जाइए। सो वी हैव टू डू 15। यस बेटा। Unfortunately, common names will be required. Structure will be required actually. So I have given the sheet. Uski help le sakte ho. But inka main structure draw kar deta hu. Iske alawa bhi bahut sare common names aapke usme hain sheet mein. Cinnamic acid ka structure is this. Because until and unless you know the structure, you will not be able to write the UPSC name. This is structure of cinnamic acid. Option B इसी तरह से दिया हुआ है। इसकी spelling थोड़ी सी गड़बड़ है। Spelling सही कर सकते हो। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। This B option is not important. A वाला important है syllabus के point of view से। इसी तरह से pyruvic acid ये भी बहुत important नहीं है। Structure I am giving you. स्लोली स्लोली आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएंगे। सिट्रिक एसिड सर, दिस इज फ्रॉम शीट 2 यू आर सेइंग। ये क्वेश्चन नंबर 15 के बेटा चारों ऑप्शंस जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए मैंने। नाउ यू आइडेंटिफाई आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, you have done this, then attempt question number 18 and 31. Sir, this is the last slide. 18 and 31. ये दो कर लेना, फिर आप जा भी सकते हैं। और exercise 1 and 2 you have to attempt completely. ये as a homework हाँ। Two more questions first you attempt हाँ। Question number 18 and question number 31. So could you repeat which other questions? Question 18 and question number 31. ये ले। Okay. So ये sheet 2 में से आप दे रहे हो ना ये वाला? Yes, but exercise 2 से दे रहा हूँ। So this is the first question of sheet 2, right? वो 22 and 24 sheet 1 में से थे ना?
इसके हेल्प करो बेटा. व्हाट डिड यू से दक्ष? What? Sir, no, he told me. I understood. Homework is exercise one and exercise is complete. Sir, some 31 ये exercise में है ही नहीं. ये है ना? 31 question पर अभी तो उसी से दिया है. सर वो शायद हसन एक्सरसाइज टू देखिए बेटा. अच्छा ओके सर. जिनको ये आ गया हो वो जा भी सकते हैं बेटा, और उनको अटेम्प्ट करना है एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू. सो एक्सरसाइज टू में विच टू क्वेश्चंस? अभी के लिए ये दो क्वेश्चंस, 18th वन एंड 31st. सर होमवर्क पूरी एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू है ना? यस बेटा. ओके सर बाय. ओके बेटा बाय. सर यस बेटा. सर वो जो मैंने कंपाउंड पूछा था ना आपसे व्हाट्सएप पे, क्या पूछा था? सर वो मैं आपको फोटो भेजूं? डाउट क्या है सर? उसका नंबरिंग में इशू हो रहा है मुझे. तुम ग्रुप में डालो बेटा. अच्छा एक सेकंड. मुझे कोई भी पर्सनल डाउट्स नहीं भेजेगा बेटा, हमेशा ग्रुप में ही आपको डिस्कस करना है. सर यस बेटा. सर हम रिंग में वो ऑर्थोमेटा पैरा करते हैं पोजीशन से जी का, वो सर इसके लिए कि मतलब कोई भी रिंग के लिए चलता है? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन खाली बेंजीन रिंग में वो करते हैं. ओके खाली बेंजीन में. मैंने भेज दिया. इसमें क्या डाउट है बेटा? सर हाँ सर आपने वो जो स्पेशल रूल लिखाया था, स्पेशल रूल यहाँ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर हाँ नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ क्यों वैलिड नहीं, क्योंकि जो नीचे वाला COH है वो डायरेक्टली उस चेन के साथ कनेक्टेड नहीं है ना जिसको तुम मेन चेन मानना चाहते. अच्छा उसके बीच में CH2 आ गया ना. तो सर जिसको पेरेंट चेन मानते हैं उसमें सारे तीन डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए. डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए. लेकिन हम पूरी चीज को इथर क्यों बोलते हैं? सिर्फ OR वाले पाथ को ईथर बोलना चाहिए ना? मतलब सर जैसे नाइट्रो में हम सिर्फ NO2 वाले पार्ट को नाइट्रो बोलते हैं ना, R NO2 को बोलना नाइट्रो बोलते हैं. उसी तरह से RO को एल्कोक्सी बोलते हैं. तुम तो केवल प्रीफिक्स की बात कर रहे हो ना, कंपाउंड की थोड़ी ना बात कर रहे हो. इसको थोड़ी ना नाइट्रो बोला जाता है, इसको नाइट्रो एल्केन्स बोलते हैं कंपाउंड. स्पेशल नेम एल्कोक्सी के साथ जो भी जुड़ा हुआ उसको ईथर बोलेंगे. जो भी जुड़ा नहीं है बेटा, तुम समझ नहीं पा रहे. कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस तो हो सकते हैं जिसके अंदर ये भी हो, एसिड भी हो, एल्डिहाइड भी हो. तुम सिंपलेस्ट वर्जन पूछ रहे हो, सिंपलेस्ट वर्जन उसका ईथर होता है. अच्छा तो ROR को ईथर बोलेंगे? हाँ, ये कंपाउंड हो गया, ये प्रीफिक्स है. अच्छा तो सब्स्टिट्यूएंट इज एल्कोक्सी वैसे ना? यस. वैसे नाइट्रो में सब्स्टिट्यूएंट इज नाइट्रो और उसके R के साथ जॉइन कर दे तो नाइट्रो है. गाइज एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू, दीज टू आर यू नो होमवर्क फॉर यू. उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करके रखिएगा. एक्सरसाइज टू जो है उसमें 5-6 क्वेश्चंस लास्ट के हैं, उसको छोड़ देना. वो साइक्लिक वाले हैं, बाईसाइकिल वाले, उनको छोड़ देना, बाकी सब अटेम्प्ट करना है.
एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज टू, ये होमवर्क है आपका। यस बेटा, इसमें बेटा जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है 31st में, बाकी सब सब्सटीट्यूएंट्स की तरह है। तो आप लिस्ट चेक करो जाकर के, जो मैंने लिखाई है फंक्शनल ग्रुप्स का एज अ नेम प्रीफिक्स करके, उन सब के प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, आप मैच करा लो जिस ऑप्शन से मैच करेगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ। तो सर हम लोग CHO CO NH2 COCl को सब सब्सटीट्यूएंट मानेंगे ना यहाँ पर, सबको सब्सटीट्यूएंट। उसको मैच करा लो। सर 18 में हम लोग CLOC को ये मानेंगे कि COCOH ये एज अ प्रीफिक्स। ओके सर, 18 में जो COCl है ना उसको क्या लिखेंगे, क्लोरोकार्बोनिल? उस ऑप्शंस में से लिखा हुआ है बेटा, अगर तुम अपने नोट्स में से एक बार कार्बोक्सी भी है। क्या चीज? ये ऑप्शन में कार्बोक्सी भी है इसलिए तो क्लोरोकार्बोनिल ही लिखेंगे ना उसको। भाई नोट्स नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारा नाम मान लो रोहन है, ऑप्शन में राहुल भी लिखा हुआ है, मैं रोहन ही सिलेक्ट करूंगा ना, क्योंकि मेरे नोट्स में रोहन लिखा हुआ है। सर बट एक डाउट, मतलब आपने बोला प्रीफिक्स से समझ गया सर, बट COOH और CL COCl दोनों स्पेशल सफिक्स है ना? समझा नहीं, मतलब स्पेशल सफिक्स मतलब? मतलब अपन ने स्पेशल सफिक्स के टेबल में लिखा था COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और COCl कार्बोनाइल क्लोराइड, तो सर दोनों को अपन रूल्स में लगता है, स्पेशल रूल पहले फॉलो होना चाहिए। चलो एक्सरसाइज 1 2 आपके लिए होमवर्क है, उसको अटेम्प्ट करके रखिएगा।